रोज रोज एक ही नाश्ता क्या खाना, आज है कुछ नया बनाना। बहुत ही टेस्टी, कुरकुरा और एकदम आसान तरीका है इसे बनाने का। और ये गेहूं के आटे से बने हैं और झटपट बनते हैं। और इसे खाने के बाद समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी सभी खाना भूल जाएंगे। और इस तरीके से आप जिसे भी बनाकर खिलाएंगे वो तारीफ ही करेंगे, मेहमान भी पूछेंगे कैसे बनाया, और बच्चे तो बड़े चाव से खाएंगे। तो एक बार इस रेसिपी को बनाकर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इसे बनाकर बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय के साथ कुछ टेस्टी खाना, तो इसे आसानी से बना सकते हैं। और यह रेसिपी इतनी आसान है कि इसे बिना आटे गूंथे ही बनाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को एक बार क्यों ना बनाया जाए। रेसिपी मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। इस टेस्टी नाश्ता को बनाने के लिए गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तक तेल। और तेल जब गर्म हो जाएंगे तब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच उजला वाला तिल, 1/2 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स और 1/2 चम्मच डालेंगे साबुत जीरा। तो इसमें आप अपने मनपसंद के कुछ खड़े मसाले और भी ऐड कर सकते हैं। और इसे थोड़ा सा भून लेंगे पैन में चारों तरफ फैला लेंगे और 1/2 चम्मच नमक डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर अब इसे देखिए थोड़ा सा भून लिए हैं, तो अब इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी पानी। गैस का फ्लेम धीमा ही रखेंगे और बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डाल देंगे। और यहाँ पर अब इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। तो जब गेहूं का आटा डालेंगे तो पानी ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। और इस नाश्ते को कुरकुरा बनाने के लिए डालेंगे 4 चम्मच तक सूजी। सूजी डालने से ये कुरकुरा बनेंगे, या फिर इसकी जगह पर चावल का आटा डाल सकते हैं। गैस को मीडियम कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे इसे इस तरह से मिक्स करते हुए डो की तरह बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए डो की तरह बन गए हैं, तो बिना गूंथे ही एकदम परफेक्ट डो बनकर तैयार है। इस तरह का जब डो बनाएंगे तो 1/2 कटोरी पानी डालेंगे 1 कप गेहूं के आटे में। गैस को कर देंगे अब बंद और अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और यहाँ पर इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तो हाथों से इसे थोड़ा सा मसल कर मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत गुठलियाँ रहेगा अच्छी तरह से एकदम मिल जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट बना लिए हैं, तो अब इसे साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं इसकी अशफिंग। इसके लिए लेंगे 2 पीस उबले हुए आलू, और आलू थोड़े बड़े साइज़ में हैं। और इसे हाथों से इस तरह से चूर लेंगे, या फिर आलू मैसर से इसे मैश कर सकते हैं। अब इसमें 1 पीस बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 2 से 3 पीस बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और 1/2 चम्मच डालेंगे गोलकी पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा, और 1/2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे थोड़ा सा कलर आएगा, 2 चम्मच डालेंगे भुने हुए मूंगफली जिसे चूर कर लिए हैं 2 चम्मच के लगभग। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, और थोड़ा सा डालेंगे काला नमक या फिर चाट मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने से इसका स्वाद बढ़ेगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आलू मसाला बनाने से झटपट बनेंगे भी और ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगते हैं। अगर आप चाहें तो इसे भून भी सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पर आलू मसाला और डो भी हमारा तैयार है, तो डो को थोड़ा सा हाथों में लेकर इस तरह से इसे मसल के थोड़ा सा गोल कर लेंगे, और इसे बीच में इस तरह से कटोरी शेप में बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे साइज में ही बनाएंगे, और इसमें थोड़ा सा आलू मसाला इस तरह से डाल देंगे। तो इस तरीके से बनाकर छोटे छोटे ही बनाएंगे, क्योंकि अगर इसे तेल में फ्राई करेंगे तो ये बड़े बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। यहाँ पर इसको भरने के बाद इसे अच्छी तरह से गोल कर लेंगे, पैक कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से तैयार हैं। तो इसे आप थोड़ा सा चपटा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा भी, किसी शेप में भी बना सकते हैं। सभी को इसी तरीके से बना लिए हैं। ये खूबसूरत ज़्यादा लगे देखने में। बच्चे जब खाते हैं तो आँखों से ही पहले खाते हैं, उन्हें देखने में अच्छा लगता है तभी खाते हैं। तो इसके ऊपर से थोड़ा सा उजला वाला तिल डाल देंगे, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और इस तरह से देखिए प्लेट को घुमा लेंगे तो सारे में चिली फ्लेक्स और तिल एकदम आसानी से लग जाएंगे। देखने में ये खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। बनाने के लिए गैस पर चढ़ाएँगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 500 ग्राम तक तेल। तेल गर्म हो गए हैं, तो गर्म होने के बाद इस तरीके से 1-1 पीस को डालेंगे। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए, मीडियम में ही इसे डालेंगे। थोड़ी देर में इसे पलट देंगे। जब इसका हल्का सा सुनहरा कलर होगा तब इसे चम्मच से इस तरह से धीरे धीरे पलटेंगे। सभी को इसी तरह से उलट पलट करके सुनहरा कलर होने तक फ्राई करने हैं।
और यहाँ पर देखिए सुनहरा कलर हो गया है, तो धीमी आंच में बनाएंगे तो ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेंगे। और यहाँ पर सुनहरा कलर होने के बाद इस तरीके से झंझरे में निकाल लेंगे और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर दूसरे झंझरे में इस तरह से डाल देंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल रहेगा वो सारा निकल जाए। तो सभी को इसी तरीके से बना लेंगे। सभी को बना कर तैयार कर लिए हैं और एकदम टेस्टी कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार है। इसे प्लेट में निकाल लेंगे, साथ में रखेंगे टमाटो केचप या फिर अपनी मनपसंद चटनी के साथ खाएं। और ये लीजिए बस गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार है। इस सुबह का नाश्ता हो या बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना हो या हो शाम के चाय के साथ कुछ टेस्टी कुरकुरा खाना, तो इस तरीके से इस नाश्ते को एक बार ज़रूर बनाकर देखें। और मेरी रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। यहाँ पर तोड़ कर दिखा रहे हैं, देखिए अंदर तेल बिल्कुल नहीं गए हैं और अच्छी तरह से पके भी हैं। तो बच्चे अगर खाने में थोड़ा सा भी आनाकानी करें तो इस तरीके से उन्हें बनाकर ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।